नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं तरुण वत्स लेकर हाजिर हूं अब तक की टॉप खबरें। मंगलवार का दिन भारतीय टीम के लिए खूब मंगल रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर शानदार तरीके से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम पोर्ट एलिजाबेथ वनडे जीत कर साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय टीम बन गई। भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 274 रन बनाए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका टीम 201 रन पर ढेर हो गई। भारत ने अब 6 मैचों की वनडे सीरीज में 4-1 से अजेय बढ़त बना ली है। पोर्ट एलिजाबेथ वनडे में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली स्वाभाविक रूप से काफी खुश थे। कोहली ने इस विजय को पूरी टीम के सम्मिलित प्रयासों की जीत बताया। कोहली ने कहा कि टीम ने इस सीरीज में बल्ले, गेंद और फील्ड तीनों क्षेत्र में 100% प्रदर्शन किया। कोहली ने कहा कि इस मैच में सिर्फ एक टीम पर सीरीज हारने का दबाव था और वह थी साउथ अफ्रीका टीम। हमें पता था कि उनकी छोटी छोटी गलतियां हमें सीरीज में वापसी करा देंगी। जोहानिसबर्ग टेस्ट के बाद का समय टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा रहा है। यह टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ और सभी के संयुक्त प्रयासों के चलते संभव हो पाया है। अयोध्या के कारसेवकपुरम में बुधवार को रामराज्य रथ यात्रा का उद्घाटन हुआ। यह रामराज्य यात्रा कई राज्यों से होकर रामेश्वरम तक जाएगी। इस दौरान बाबर के वंशज हैदराबाद के प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने कहा कि मुगल काल के बादशाहों और उनके कारिंदों ने जो गलतियां की हैं उनके लिए वे माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वह सुन्नी सेंट्रल फोरम और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर राम मंदिर का निर्माण करेंगे। उधर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव चंपत राय ने कहा कि साल 1991 में भी भारत सरकार ने मामले को आपसी सुलह से सुलझाने के प्रयास शुरू किए थे। राय ने कहा कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि वहां मस्जिद नहीं मंदिर के ही पुरावशेष मिले हैं, तो मुस्लिम पक्ष के नेताओं को अपना दावा छोड़कर राम मंदिर के लिए सहयोग देना चाहिए। अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह भारत के अंदर हमले जारी रखेंगे और ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा है। कोर्ट ने सीनेट की सिलेक्ट कमेटी के सामने कहा कि इस्लामाबाद समर्थित आतंकी समूह भारत और अफगानिस्तान में हमले की योजना बनाने और हमले करने के लिए पाकिस्तान में अपने सुरक्षित पनाहगाह का लाभ उठाना जारी रखेंगे। अमेरिका ने हाल में पाकिस्तान को मिलने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य मदद पर रोक लगा दी थी। एम्स में एडमिट करने को लेकर मिलने वाली सिफारिशों से वहां के डॉक्टर परेशान। मरीजों को जल्द इलाज और एडमिशन के लिए उन्हें रोजाना 2,000 से 4,000 सिफारिशी लेटर मिलते हैं। इससे परेशान होकर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने देश भर के सांसदों और विधायकों से अपील की है कि वे सिफारिश ना करें। अगर सच में मरीजों की मदद करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में इलाज की कमी को लेकर प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखें। बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे एक बार फिर सुर्खियों में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने भाभी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर से यौन शोषण का केस वापस ले लिया है। उन्होंने बीते साल मार्च में केस दर्ज करवाया था। बता दें कि शिल्पा सीरियल भाभी जी से घर घर में लोकप्रिय हो गई थी, लेकिन उन्होंने बीच में ही शो छोड़ दिया था। शो के प्रोड्यूसर ने उन पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद शिल्पा ने प्रोड्यूसर बेनिफर के पति संजय कोहली पर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया था। तो टॉप न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।